उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। कलेक्ट्रेट में तैनात डिप्टी कलेक्टर की गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगी थी, जिसको लेकर एआरटीओ ने एसडीएम की गाड़ी का ही चालान काट दिया। बताया जा रहा है कि एसडीएम जिस गाड़ी पर सवार थे उसके नंबर प्लेट पर नंबर ही मिस था, जिसके बाद 26,500 रूपए का चालान काटा गया है। दरअसल जिला सुरक्षा समिति की बैठक में सदस्यों ने एसडीएम की गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर मिस होने को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद डीएम ने एआरटीओ को जांच कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। बता दें कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सदस्य अनिल जग्गा ने डीएम दफ्तर के बाहर खड़ी एसडीएम की गाड़ी पर नंबर प्लेट पर नंबर मिस होने पर सवाल उठाए तो बैठक में मौजूद सभी सदस्य और अधिकारी हैरान रह गए। जिसके बाद गाड़ी की जांच की गई तो पता चला कि इसका इंश्योरेंस 2020 में ही खत्म हो गया था, जबकि एसडीएम की इनोवा कार पर मुरादाबाद निवासी एक महिला की बलेनो कार की नंबर प्लेट लगी है, जिसके बाद एआरटीओ ने एसडीएम की गाड़ी का 26,500 रूपए का चालान काट दिया। अनिल कुमार जग्गा ने बताया कि अधिकांश सरकारी विभागों में ठेकेदार के जरिए वाहन किराए पर चल रहे हैं। नियम है कि विभाग में लगे वाहन का व्यावसायिक वाहन में पंजीयन होना अनिवार्य है, लेकिन विभाग इसकी जांच पड़ताल नहीं करते हैं। ठेकेदार उनको निजी वाहन उपलब्ध करा देते हैं और विभाग में उनका संचालन करते रहते हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते हर माह लाखों रुपए के राजस्व की चोरी हो रही है। वहीं इस मामले में डीएम ने एआरटीओ को जांच कर कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने जांच में फर्जीवाड़ा मिलने पर ठेकेदार की फर्म को न सिर्फ ब्लैक लिस्ट करने को कहा है, बल्कि मुकदमा दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।